अल्लाम अज़ीज़ तालबा तलबात आज हम अपनी गुफ्तु को एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में जो तारफ़ी गुफ्तु पिछले एक या दो प्रोग्रामों में हमने की थी उसी गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे और हम एक्सपर्ट सिस्टम को ज़्यादा बेहतर तरीक़े पे समझने की कोशिश करेंगे तो आज हम देखेंगे हाउ आर एक्सपर्ट सिस्टम्स ऑर्गनाइज और स्पेसिफिकली आज हम विल डिस्कस स्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट सिस्टम के एक्सपर्ट सिस्टम्स को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है और दो अहम हिस्से एक्सपर्ट सिस्टम के नॉलेज बेस और इन्फ्रेंस एंजन जो है इनके बारे में हम जरा तफसल से देखेंगे और उसके बाद फिर हमने डोमेन नॉलेज की अपने पिछले प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा बात की तो रिप्रजेंटिंग नॉलेज इसकी जो दो स्कीम हैं रूल बेस्ड मैथड ऑफ रिप्रजेंटिंग नॉलेज और फ्रेम बेस्ड मैथड ऑफ रिप्रजेंटिंग नॉलेज हम इस पर बात करेंगे अब आप फैक्ट्स और रूल्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फैक्ट्स जो है वो किसी भी डोमेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट्स है उसके बारे में जो रूल्स हैं वो आ, और उनमें सर्टेनिटी फैक्टर का एलिमेंट हो सकता है अब इन्फ्रेंस इंजन जो है इन्फ्रेंस इंजन बेसिकली फैक्ट्स से और रूल से उन दोनों को सामने रखते हुए उनसे इवेलूएट करता है कि क्या डिसीजन करना चाहिए क्या एक्शन जो है जब एक रूल को इन्फ्रेंस एंजन जो है वो इवेल्यूएट कर लेता है इंटरप्रेटर का, का काम जो है कि वो वो रूल्स को इवेलुएट करें कि जब कोई रूल जो है वो एग्जीक्यूट होता है तो उसको इवेल्यूएट करे कि उसका आउटकम क्या है और शेड्यूलर का काम यह है कि रूल्स की सीक्वेंस जो है उसको इंप्लीमेंट करे कि कौन सा रूल जब एक रूल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उससे फर्दर नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या है शेड्यूलर का काम इन्फ्रेंस इंजन में शेड्यूलर का काम जो है दैट इज शेड्यूलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर एग्जांपल द दिन इंजन कंटेन्स एन इंटरप्रेटर जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया दैट डिसाइड हाउ टू अप्लाई द रूल टू इन्फर न्यू नॉलेज इंटरप्रेटर जो है ऑर्डर इन विच रूल्स शुड बी अप्लाइड अब जो इंफ्रेंस इंजन है इंफ्रेंस इंजन दो शक्लों में आपके सामने हो सकता है इधर इट कुड बी ए हाई लेवल लैंग्वेज और इट कुड बी ए लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज की एक मिसाल जो है वो ई e माइसिन है ये टूल है या लैंग्वेज है स्पेसिफिकली डिवेल्प डिज़ाइन एंड डिवेल्प टू बी यूज टू डिवेल्प मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम्स ई माइसिन जो है वो लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिकली मेडिकल डोमेन में जो एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए वो लैंग्वेज डिफाइन की गई है और उसमें आपका इन्फ्लुएंस इंजन है दैट इज ए पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज वेर एज इन द लैंग्वेज लाइक लिस्ट विच इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली लो लेवल लैंग्वेज तो इसमें आपको इन्फ्लुंस इंजन भी खुद लिखना पड़ता है इन्फ्लुंसिंग मैकेनिज्म जो है पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए इसको ये आपको जो जो इन्फ्रेंस इंजन है वो भी आपको खुद डेवलप करना पड़ता है आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि नॉलेज बेस को रिप्रेजेंट हम फैक्ट्स या रूल्स में कर सकते हैं अब जर्नल डोमेन नॉलेज जो है उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है हमारे पास दो मैकेनिज़्म हैं वन इज़ ए रूल बेस्ड मैकेनिज्म एंड अनदर इज़ ए फ्रेम बेस्ड मैकेनिज़्म और एक तीसरी uh, uh, भी पॉसिबिलिटी है दैट इज सिमेंटिक नेट्स तो नॉर्मली फ्रेम बेस सिस्टम और सिमेंटिक नेट्स जो हैं वो फ्रेम बेस सिस्टम्स ही कहलाते हैं और रूल बेस्ड मेथड रिलेटिवली डिफरेंट है इनफैक्ट स्ट्रक्चरिंग नॉलेज इन ए प्रोग्राम ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरिंग नॉलेज इन टू ए प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंटेशन का लफ्ज़ जो है ये बार बार आएगा मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सैप्ट है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की दो स्कीम हैं वन इज़ रूल बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड दी अदर इज़ फ्रेम बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड येट थर्ड वन इज नेट्स तो फ्रेम बेस्ड और नेट्स जो है दे वर्क ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट

अप्लाई होगा देन पार्ट में अब जब जब आप देन पार्ट पे आते हैं इफ पार्ट जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो देन पार्ट जो है कैन टेक वन ऑफ द थ्री शेप्स पहली चीज पहली शेप अफेक्ट्स द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल जब आप इफ पार्ट जो है आपका सेटिस्फाई हो गया तो देन पार्ट कैन से आउटसाइड वर्ल्ड पे कोई इफेक्ट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ए रिपोर्ट ऑन ए प्रिंटर और मॉडिफाई ए डेटा बेस और समथिंग तो एक शक्ल देन पार्ट की ये हो सकती है कि उससे आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो इफेक्ट होती है और दूसरी शक्ल जो है डायरेक्ट्स द प्रोग्राम कंट्रोल कि जब इफ पार्ट जो है वो आपका सेटिस्फाई हो गया तो प्रोग्राम कंट्रोल जो है उसको कोई डायरेक्शन जो है नई डायरेक्शन जो है वो दी जा सकती है कि एक रूल के बाद दूसरा रूल हो सकता है तीसरा रूल हो सकता है या फैच इंफॉर्मेशन फ्राम द फ्राम दाटा बेस हो सकती है विद इन द प्रोग्राम प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो इफेक्ट हो सकता है आफ्टर द इफ पोर्शन इज सेट्सफाई तीसरी सिचुएशन जो है वो ये हो सकती है कि आपका देन पोर्शन जो है दैट कैन दैट कैन बेसिकली डायरेक्ट द प्रोग्राम टू कंक्लूड के आप जब आपका एफ पोर्शन एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोग्राम को वट एवर रिकमेंडेशन इज टू कम द प्रोग्राम मे बी आस के अब देन पोर्शन में आप वट एवर रिकमेंडेशन वट एवर ड सीन इज टू बी गिवन गिव दैट तीन चीज़ें जब इफ पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाता है सेटिस्फाई हो जाता है इट कैन अफेक्ट नंबर वन आउटसाइड वर्ल्ड लाइक प्रिंटिंग रिपोर्ट ऑन ए प्रिंटर और इट कैन डायरेक्ट द प्रोग्राम कंट्रोल टू फैच मोर डेटा टू रन नेक्स्ट रूल और समथिंग प्रोग्राम कंट्रोल जो है उसको डायरेक्ट किया जा सकता है और तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए डायरेक्शन uh, जो हैं वो दे दी जाएँ अब uh, जब हम ये कहते हैं कि इफ पोर्शन जो है इफ पोर्शन को फैक्ट के साथ जब आप मिलाते हैं दैट प्रोसेस इज नॉट नोन एज इंफ्रुएंस चेनिंग वंस अगेन मैचिंग द रूल इफ पोर्शन विद द फैक्ट इज नोन एज इंफ्रेनिंग कैसे होता है uh, ये मिसाल के जरिए हम इसको वाजे करते हैं इफ द पेशेंट वॉज एन इंसुलेटर बिफोर नाइनटीन सिक्सटी फाइव यह हमारा इफ पोर्शन है पेशेंट वॉज इंसुलेटर फोर नाइनटीन सिक्सटी फाइव ये कंडीशन है देन द पेशेंट डायरेक्टली हैंडल्ड एस्पेस्टॉस ठीक है अब दूसरा इफ पोर्शन क्या है इफ द पेशेंट डायरेक्टली हैंडल्ड एस्पेस्टॉस एंड पेशेंट वॉज एक्सपोज इन ए कंफाइंड स्टेट स्पेस देन देशेंट हैड ए स्वीयर एक्सपोजर अब आप देख रहे हैं कि ये चेनिंग मेकनिज्म है इफ पोर्शन को फैक्ट्स के साथ मैच किया जा रहा है इफ़ द पेशेंट वाज इंसुलेटर बिफोर 1965 तो ये फैक्ट्स में अगर ये चीज़ रिप्रेजेंटेड है दैट द पर्सन वाज एन इंसुलेटर बिफोर 1965 उसके साथ मैच किया जा रहा है जब वो मैच हो गया देन वी कंक्लूड द पेशेंट डायरेक्टली हैंडल द दस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि अगर वो उससे पहले डायरेक्टली हैंडल द एस्पटस और फिर वो कन्फाइंड स्पेस में भी था ट अन कंडीशन जब ये चीज जो है ये भी आपकी फैक्ट्स के साथ मैच हो जाती है तो देन मेक ए कंक्लूजन और कंक्लूजन क्या है देशेंट है एक्सपोजर अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली आप ये देखेंगे इसी रूल को नंबर वन द पेशेंट वॉज एन इंसुलेटर बिफोर नाइनटीन सिक्सटी फाइव दैन द पेशेंट डायरेक्टली हैंडल दस्टस एंड द पेशेंट वॉज एक्सपोज इन ए कंफाइंड स्पेस तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं

ए नेचुरल वे फॉर डिस्क्राइबिंग प्रोसेस ड्रिवन बाई कॉम्प्लेक्स एंड रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट ब्यूटी रूल बेस्ड सिस्टम की ये है अगर आपने कभी आ, आपको रूल्स पढ़ने का इतफाक हुआ हो या रूल्स लिखने का इतफाक हुआ हो तो आप मेरे साथ एग्री uh, करेंगे कि ये इट इज़ ए मोस्ट डिफिकल्ट टास्क येट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉम्प्रीहसिव कि रूल्स में आप नॉर्मली एम्बिगिटी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते इट इज एक्सप्लिसिट, एज इट्स प्रोवाइड ए नेचुरल वे फॉर डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स एंड रेपिड सेकेंड ए सेट ऑफ रूल कैन स्पेसिफाई हाउ द प्रोग्राम शुड रिएक्ट टू देंजिंग डेटा विदाउट रिक्वायरिंग एडवांस नॉलेज अबाउट द फ्लो ऑफ कंट्रोल अब यह रूल्स की ब्यूटी ये है कि डेटा क्या होगा बाद में क्या होगा चेंजिंग एनवायरनमेंट्स क्या होंगी रूल्स जो है रूल्स की स्पिरिट ये है कि उसमें कोई एम्बिगुटी ना रहे रूल्स में ये कैपेबिलिटी मौजूद होना अशद ज़रूरी है कि वो एम्बिगुअस ना हो और रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट से मुतासर ना हो सो so दैट रूल्स की बेसिस की, की पे आप वट एवर डिसीजन और वट एवर रिकमेंडेशन एन एक्सपर्ट वॉन्ट्स टू मेक एक्सपर्ट शुड बी एबल टू मेक हाँ यहाँ पे एक चीज और आ, मैंने पहले ह्यूरिस्टिक और अलगोरिदमिक का जिक्र किया तो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में आपके पास कंट्रोल एंड द यूज ऑफ डेटा आर प्रीडिटर्म एंड प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड बैलेंसिंग अकर्स एट सेलेक्टेड पॉइंट यहाँ पे ये यह चीज थोड़ा सा वंस अगेन हम इस चीज पर एम्फाइज करना चाहेंगे कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में डेटा डेटा का इस्तेमाल और उसका जो कंट्रोल है फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है दैट इज प्री डिटर्मन और प्रोसेसिंग जो है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर्स में हो रही है और दैट इज वाई अलगुरिदमिक्स सोल्यूशन विद ए स्लोली चेंजिंग डेटा जो है वो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स की नॉर्म है कॉन्ट्रेरी टू दैट इन एक्सपर्ट सिस्टम्स प्रोग्राम इज़ ड्रिवन बाई डेटा एंड ब्रांचिंग इज़ ए नॉर्म दैन एक्सेप्शन आपको याद होगा कि मैंने पिछले किसी डिस्कशन में भी जिक्र किया था कि ब्रांचिंग जो है एक्सपर्ट सिस्टम में ब्रांचिंग इज ए नॉर्म ये एक्सेप्शन नहीं है कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में ये ब्रांचिंग जो है दैट इज़ नॉट ए नॉर्म बट एक्सेप्शन यूज बट नॉट एज एक्सटेंसिवली एज यूज इन दी एक्सपर्ट सिस्टम तो जहाँ पर आपके पास Branching is you a convention, a norm, exception. You need definitely, you cannot rely on the algorithmic solution because of the processing power, processing capability in terms of time, and in terms of computing resources. Computers, as yet, are not capable to handle the, the enormous branching factor that can occur in the expert system. एरिया और एक्सपर्ट सिस्टम डोमेन तो एज सच इन एक्सपर्ट सिस्टम प्रोग्राम इज ड्रिवन बाई डेटा एंड ब्रांचिंग इज ए नॉर्म दैन एक्सेप्शन रूल्स ऑफर टू एग्जामन द स्टेट ऑफ दर्ल्ड एट ईच स्टेप एंड रिएक्ट अप्रोप्रिएटली रूल्स आन एंड सिंप्लीफाई दैट हाउ द जॉब वॉज डन एंड वॉज रीचड रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग की एक और ब्यूटी जैसा कि मैंने जिक्र किया ये है कि वो आपको बताता है कि इस रूल ये रूल जो है पर्टिकुलर रूल क्यों इस्तेमाल किया गया है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और अगर ना इस्तेमाल किया जाए तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि ये रूल इस वजह से इस्तेमाल किया गया है और इस इस्तेमाल करने की वजह से ये जो भी वट एवर रिकमेंडेशन हैज़ बिन मेड वट एवर डिसीजन हैज बिन रीच ये रूल्स जो हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम में अगर अप्लाई किए जाए तो वो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं नाउ वी कम द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड दैट इज ए फ्रेम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन फ्रेम बेस्ड मेथड और इन फ्रेम बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजर्स ए नेटवर्क ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाई रिलेशंस एंड इन टू ए हायर इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो नेटवर्क ऑफ नोड्स जो हैं उसकी शक्ल में जो जो आपकी नॉलेज है वो रिप्रेजेंट की जाती है इन द शेप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड नोड्स। ईच नोड रिप्रेजेंट्स ए कॉन्सेप्ट दैट मे बी डिस्क्राइब बाई एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ एसोशिएटेड विद दैट नोड इसमें दो चीज़ें जो हैं वो याद रखने की हैं Uh, frame based representation. Number one, nodes low in hierarchy automatically inherit properties from the higher level nodes. Once again, nodes low in the hierarchy inherit properties from the nodes higher in the hierarchy. Two things, frame based method. This method provides a natural and efficient way to categorize and structure a taxonomy. कैटेगराइजेशन जो है और टेक्सोनोमी का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रेम बेस्ड जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है हमें प्रोवाइड करती है आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद मतलब से समझते हैं आ, ये डायग्राम जो है ये एक नोड इन ए फ्रेम सिस्टम हमें बता रही है ये कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट में आपके पास स्लॉट्स हैं स्लॉट वन स्लॉट टू स्लॉट थ्री एंड देर देर आर सम वैल्यूज एसोशिएट विद slot 1 associated with slot 2 and value associated with slot 3 and whenever a particular value is reached uske jo associate procedure hai, that is triggered or that is fired that procedure is executed once the value in the star, uh, jo, jo slot mein value a the relevant value is is is, is obtained so associated procedure hai, that procedure gets executed इसके साथ ही हमने आ, आज के प्रोग्राम में हमने आ, जिन चीज़ों की गुफ्तु की वो थी ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज हमने ये देखा कि हम नॉलेज को फैक्ट्स की शक्ल में या रूल्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फैक्ट्स या रूल्स जो हैं वो ट्रू या फॉल्स भी हो सकते हैं और ट्रू और फॉल्स हंड्रेड परसेंट नहीं भी हो सकते एज सच द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्टेनिटी फैक्टर इज़ एसोसिएटेड विद दैट दूसरी चीज़ जिस पर हमने बात की वो थी स्ट्रक्चरिंग द एक्सपर्ट सिस्टम जिसमें हमने नॉलेज बेस की बात की कि नॉलेज बेस जो है वो फैक्ट्स की शक्ल में या रूल की शक्ल में ऑर्गेनाइज uh, की जा सकती है और हमने इंफ्रेंस इंजन एक्सपर्ट सिस्टम का दूसरा हिस्सा जो है वो इंफ्रेंस इंजन होता है जिसमें एक इंटरप्रेटर होता है दूसरा शेडलर होता है इंटरप्रेटर रूल्स को इंटरप्रेट करता है शेडूलर जो है वो रूल्स को रूल्स के एग्जीक्यूशन को शेडूल करता है और उसके बाद हमने रिप्रेजेंटिंग नॉलेज टेक्निक्स फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉलेज उस पर बात की नंबर वन वाज द रूल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वाज फ्रेम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ ही हम अपनी आज की गुफ्तु को यहाँ पर ख़त्म करते हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज।